हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही रेलिवेंट करंट टॉपिक और एक जनरल नॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी ना किसी फॉर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन एनी विच केस हमें इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। हम जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी नोट्स इशू किए थे और तभी से हमारे पास नए करेंसी नोट्स आ गए हैं। तो नए करेंसी नोट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर तभी से एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं और हर एग्जाम में किसी ना किसी वे में ट्रिक कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट क्योंकि एक बार कवर नहीं किया होता इसलिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और एक इजी नंबर हम लोग मिस कर देते हैं। इसलिए इसे एक टॉपिक की तरह आज पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और इस तरह से अरेंज करके देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस एक बार में कवर हो जाएं। और ऐसे जनरल नॉलेज भी ये टॉपिक आपका एज सच कवर हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि न्यू करेंसी नोट्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए हैं और उन पिक्चर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ही रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, जैसे हम्पी, कोणार्क, मंगलयान और इस तरह के कई इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हमने न्यू करेंसी नोट्स पर देखी, जिससे एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक हो गया है और किसी ना किसी फॉर्म में वो उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपका न्यू करेंसी नोट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक न्यू करेंसी नोट्स एंड डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हियर। सो द न्यू करेंसी नोट जो है उन्हें हम महात्मा गांधी सीरीज करेंसी नोट्स कहते हैं। इससे पहले भी जो करेंसी नोट्स थे, पुराने वाले करेंसी नोट्स 2016 से पहले, इस उस पर भी गांधी जी थे, उसीलिए उन्हें गांधी सीरीज कहते थे। अभी भी जो करेंसी नोट्स हैं वो गांधी न्यू सीरीज करेंसी नोट्स ही कहलाते हैं। तो अगर ऑफिशियली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट द करंट करेंसी नोट्स आर नोन, तो महात्मा गांधी न्यू करेंसी नोट सीरीज। तो आरबीआई इश्यूज रुपीज 2500, 200, 100, 50, 20, 10 न्यू करेंसी नोट्स। द न्यू डिजाइन बैंक नोट्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द करंट महात्मा गांधी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स इन कलर, साइज एंड थीम। सो बेसिकली कलर भी अलग है, साइज भी अलग है और थीम भी अलग है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो नए करेंसी नोट्स हैं वो पुराने करेंसी नोट से इनमें से किन चीजों में डिफरेंट है, कलर में, साइज में, थीम में, तो तीनों में ही ये डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आया है और पूछा भी जा रहा है रेगुलरली, द थीम ऑफ न्यू सीरीज नोट जो है वो है इंडिया हेरिटेज साइट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसीलिए क्यों मेंशन किया है, इसे आप नोट कीजिए। इंडिया की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो थीम है हमारे न्यू सीरीज करेंसी नोट्स की। नेक्स्ट, अ फ्यू न्यू अदर एलिमेंट एडेड इन नोट्स आर, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि न्यूमरल इन देवनागरी, जो हिंदी में देवनागरी लिपि है हमारी, उसमें न्यूमरल्स इंक्लूड किए गए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो ऑफ स्वच्छ भारत, जो लोगो है स्वच्छ भारत का जिसमें हम गांधी जी का चश्मा देखते हैं, जिसमें स्वच्छ भारत लिखा है, उसके साथ उसका स्लोगन भी है एक कदम स्वच्छता की ओर, वो भी न्यू करेंसी नोट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, फीचर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो देख नहीं सकते उनको नोट्स पहचानने के लिए क्या क्या फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये चार फीचर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, रेज्ड प्रिंटिंग ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, महात्मा गांधी जी का जो पोर्ट्रेट है बीच में वो थोड़ा रेज्ड है, उसे अगर छूकर देखेंगे तो पता चलेगा। अशोक पिलर जो एम्बलम है वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, हम आगे देखेंगे, और एंगुलर ब्लीड लाइंस भी हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगुलर ब्लीड लाइन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से नोट में कितनी ब्लीड लाइंस हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, समरी। सो बेसिकली ये हम लास्ट स्लाइड देखेंगे, जो लोग सारा ये डिटेल देख पाएंगे उसके बाद ये समराइज करके मैंने यहां पर आपको कवर करके लास्ट में हम इसे एक बार देखेंगे। इस समरी शीट को देखने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो एक बार डिटेल्स देख लीजिए और लास्ट में ये समरी पढ़ लीजिए, इसमें सारे कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम सारी चीजें आराम से याद कर सकते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट और ये समरी शीट हम लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे। So let's start with our highest currency note, जो कि है 2000 का करेंसी नोट इशू हुआ है। इसका कलर पिंक नहीं है, कई बार ये कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग, पिंक कलर नहीं है, ऑफिशियली आरबीआई की वेबसाइट पर मेंशन है, इसका कलर है मेजेंटा। सो आपने देखिए ये हमारे 2000 के नोट हैं और इसका आरबीआई ने जो ऑफिशियल कलर डिक्लेयर किया है वो है मेजेंटा। इसका साइज देखिए आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे लंबा साइज में है, 66 mm into 166 mm। और मोटिफ का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये
मोटिव होता है, यानी कि जो पिक्चर है, तो बैक साइड में जो रिवर्स साइड कहलाती है 2000 के नोट की, उस पर किसकी पिक्चर है? अगर मोटिव ये वर्ड यूज हो कहीं पर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस पर मोटिव है मंगलयान का। देखिए यहां पर नीचे लिखा भी है इस पर मंगलयान, ये मंगलयान है। और इस पर एक और यहीं पर मंगलयान के साथ ही यहां पर मैंने जैसे पहले बताया था स्वच्छ भारत का भी लोगो मेंशनड है, और उसी के साथ इसका स्लोगन भी मेंशनड है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्वच्छ भारत का लोगो और उसका क्या स्लोगन है। इस स्लोगन को भी कई बार ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, एक कदम स्वच्छता की ओर और उसी के रेलिवेंट कुछ और रिलेटेड स्वच्छता से रिलेटेड सेंटेंस लिखकर वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजेंटा कलर है, ये साइज है, मोटिव मंगलयान है और ब्लीड लाइंस, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि ब्लीड लाइंस क्या है बेसिकली, और ये ब्लीड लाइंस खास तौर से रखी गई हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये ब्लीड लाइंस मेंशन की गई हैं। तो देखिए ये होती हैं ब्लीड लाइंस, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में ये ब्लीड लाइंस हैं। इन ब्लीड लाइंस में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, और एग्जाम्स में अक्सर आ रहा है कि 500 के नोट पर कितनी ब्लीड लाइंस हैं, 2000 के नोट पर कितनी ब्लीड लाइंस हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर समराइज किया है आपको, देखिए यहाँ पर 7 ब्लीड लाइंस हैं, 7 ब्लीड लाइंस ऑन बोथ साइड। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, बोथ साइड का मतलब रिवर्स और फ्रंट साइड नहीं है, लेफ्ट और राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों जगह 7-7 ब्लीड लाइंस मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिक करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई है, लैंग्वेजेस जो हमारे करेंसी नोट पर लैंग्वेज मेंशन है वो लैंग्वेजेस के बारे में पूछते हैं कि कितनी मेंशन है और कहां से ड्राइव्ड है। तो आपको क्लियर ध्यान रखना है, अगर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आएगा, कहीं भी क्वेश्चन आए व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन ऑन करेंसी नोट, तो आपको 17 टिक करना है। 15+2 मैंने बाइफरकेशन के लिए लिखा है, कंफ्यूजन नहीं करना है, 15 नहीं है 17 है। 15 लाइंस, ये 15 जो लैंग्वेज है बेसिकली वो ये वाली लैंग्वेजेस है जो एक साथ लिखी होती है, यहां पर एक के नीचे एक देखेंगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई है उसमें हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम 17 क्यों बोल रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 17 हम इसलिए बोलते हैं कि 15 लैंग्वेजेस जो है करेंसी नोट में वो यहां लिखी हुई है, और रिवर्स साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है ये भी एक लैंग्वेज है, और फ्रंट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है ये भी एक लैंग्वेज है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश और उसके अलावा 15 लैंग्वेजेस, तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई? 17। एक ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि ये नोट कब लॉन्च हुआ या कब प्रिंट हुआ, तो 8 नवंबर 2016 में हमने 2000 का नोट देखा था जिसकी ये सारी स्पेसिफिकेशन है। आई होप इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए मेरे हिसाब से, और 2-3 बार देखने के बाद अगर बस आप देख लेंगे तो कभी आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, और समराइज शीट देखने के बाद आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मंगलयान इस पर मेंशनड है, देखिए क्योंकि 2000 के नोट पर मंगलयान मेंशन था इसलिए सडनली मंगलयान भी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम्स के लिए, और हमें वैसे भी जानना चाहिए कि मंगलयान के बारे में 2013 में जब भी लॉन्च किया गया था मंगलयान, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक था और सब लोग उस पर क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट क्योंकि 2000 के नोट पर अगेन पूछा गया या 2000 के नोट पर दोबारा से मंगलयान आया तो इसके बारे में फिर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो मैंने आपका आसानी के लिए यहीं पर समराइज कर दिया है जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन थे मंगलयान के। तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को यहां से लॉन्च हुआ, मार्स के ऑर्बिट में ये पहुंचा 24 सितंबर 2014 को, और सिर्फ इसका 450 करोड़ के बजट में मंगलयान ये भेजा गया था, और बहुत ही ज्यादा तारीफ हुई थी इंडिया की, सबसे कम कॉस्ट में इंडिया में आज तक जो भी भेजा गया और कहीं भी जिस भी कंट्री ने मंगलयान भेजा, मार्स पर जो भी सैटेलाइट भेजी उसमें सबसे सस्ते और सबसे अच्छे तरीके से मंगलयान पहली बार में इंडिया ने भेजा, और सबसे कम बजट में भेजा जो कि 450 करोड़ था। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री आफ्टर यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशिया। चाइना और जापान ने भी भेजा था बट वो फेल हो गए थे, और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान को उसके ऑर्बिट पर सेटल कर दिया था। मंगलयान हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मंगलयान 2000 के नोट पर आया, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो इस स्लाइड में 2000 के नोट से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट करेंसी नोट, दैट इज 500 रुपी। 500 रुपी का ये नोट है जिसका आपको फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली उसी पैटर्न पर हम इनका एक कलर देखेंगे, इसका कलर जो ऑफिशियली आरबीआई ने डिफाइन किया है वो है स्टोन ग्रे।
स्टोन ग्रे कलर का है, देखने में कहीं ना कहीं ग्रीनिश लगता है बट ये स्टोन ग्रे कलर है। और इसकी डायमेंशन भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ये डायमेंशन देखेंगे अगर आप, पिछले वाली स्लाइड में हमने 66 mm देखा था 2000 नोट का, ये सेम है, यहाँ पर 150 mm का हो गया है, ये थोड़ा उससे कम हो गया है लंबाई में बट विड्थ में ये सेम है। इसको याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक मैंने समरी शीट में बनाया है, एक ही बार देखेंगे उस समरी शीट को अब याद हो जाएगा। सिमिलरली इसका मोटिव क्या है, मोटिव यहाँ पर देखिए लाल किला विद इंडियन फ्लैग, यहाँ पर लाल किला है और इंडियन फ्लैग भी है उसके साथ, स्वच्छ भारत का लोगो है विद स्लोगन एज यूजुअल जैसे कि उसमें था। ब्लीड लाइंस कितनी है, अगेन ब्लीड लाइंस हमने देखा था 2000 के नोट पर थी 7 और 500 के नोट पर है 5, तो ये बहुत आसान है याद करना, 500 के नोट पर 5 ब्लीड लाइंस हैं। और नेक्स्ट ये भी प्रिंट हुआ था 8 नवंबर 2016 में, सो क्योंकि रेड फोर्ट इस पर मेंशन है तो रेड फोर्ट लाल किला जिसके बारे में हम अलग से हिस्ट्री में देख सकते हैं, बट एक दो पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। बिल्ट बाय 5th मुगल एम्परर शाहजहां इन 1638, राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था कि इस साल की या इस बार की न्यू करेंसी सीरीज जो है महात्मा गांधी न्यू करेंसी सीरीज, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है इंडिया हेरिटेज साइट। सो इंडिया हेरिटेज साइट में लाल किला इंडिया फ्लैग के साथ, और ये यूनेस्को की भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 2007 में डिक्लेयर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं 200 का नोट, तो 200 रुपए का जो नोट है उसका कलर डिफाइन किया गया है ब्राइट येलो, ये आपके सामने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। सिमिलरली इसमें भी 66 mm देखिए विड्थ अभी तक सेम चल रही है, जो चौड़ाई है नोट की वो अभी तक सेम है, बस लेंथ हर बार कम हो जा रही है और हम समरी शीट में इसे आराम से याद कर लेंगे। इसका जो मोटिव है वो है मोटिव सांची स्तूपा, और सेम यहां पर भी स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन, और फिर उसके साथ ब्लीड लाइंस। अब यहां पर देखिए ब्लीड लाइंस अलग हो गई हैं, यहां पर ब्लीड लाइन 4, 2 ऊपर 2 नीचे, इधर भी 4, 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में 2 सर्कल। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद करने के लिए, देखिए 200 को लिखें अगर हम, तो 200 को लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका हो सकता है 1, 2 और फिर 2 के 0, ये आराम से याद कर सकते हैं। इधर से भी देखिए तो ये एक तरीके से 200 लिखा हुआ है, तो यही एक आपके लिए अच्छी ट्रिक है याद करने की कि अगर ब्लीड लाइन का क्वेश्चन आए दोनों साइड तो किसी ना किसी तरीके से अगर इधर से भी देखें तो 1, 2, 0, 0 और 1, 2, 0, 0, तो ये 200 हो गया इधर भी और इधर भी। तो ब्लीड लाइन 4 lines विद 2 circles ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट, कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, ये ब्लीड लाइन जो मेंशन है वो फ्रंट पार्ट पे लेफ्ट और राइट साइड में है, दोनों साइड में नहीं है। देखिए बैक साइड इसका ये है प्रिंटेड, ये 25 अगस्त 2017 को हुआ था, हमने इससे पहले 2016 में देखे थे 2000 का नोट और 500 का नोट, 200 का नोट जो है वो 2017 में इशू हुआ। तो अब आता है क्वेश्चन सांची स्तूपा से रिलेटेड, तो सांची स्तूपा अपने आप में एक इंडिया की बहुत ही पॉपुलर कल्चरल रिलेटेड साइट है और इससे रिलेटेड कल्चर और हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन ये रिसेंटली फिर दोबारा से न्यूज में आ गया क्योंकि 200 के नोट पर सांची स्तूपा पीछे की साइड एज ए मोटिव मेंशन है। तो हम अब सांची स्तूपा के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सांची स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा ऑन अ हिल टॉप एट सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ये कहां पर मेंशन है, तो ये मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और सांची टाउन में है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोका इन 3rd century BC। सो क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है और अशोका से रिलेटेड है, कौन से एम्परर से रिलेटेड है, अशोका से रिलेटेड है, और कौन सी रिलीजन से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं 100 rupee note। सो 100 rupee note का जो कलर है वो ऑफिशियली मेंशन्ड है लेवेंडर, ये ब्लू नहीं है, इसे अपने हिसाब से नहीं हमें इंटरप्रेट करना है, लेवेंडर कलर हमें टिक कर कराना है। और इसका जो साइज है वो सिमिलर विड्थ में सिमिलर है, बस लेंथ में थोड़ा कम हो गया है। और इस पर जो मोटिफ मेंशन है वो है रानी की वाव, ये भी अपने आप में बहुत ही फ्रीक्वेंट आज क्वेश्चन बन गया है, स्वच्छ भारत का लोगो तो है ही। और उसके बाद ब्लीड लाइन जो है वो 4 है, हमने 200 में देखा था कि 2 ऊपर थी फिर बीच में 2 सर्कल फिर 2 नीचे, लेकिन यहां पर बीच में 2 सर्कल नहीं है और ऊपर नीचे 4 टोटल मिला के ब्लीड लाइंस हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो अब हम देख लेते हैं रानी की वाव के बारे में, जो कि एक कल्चरल हेरिटेज साइट है और यूनेस्को ने भी इसे 2014 में कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह से इंक्लूड कर दिया है। रानी की वाव
और या रानकी वाव जिसे क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, इज ए स्टेपवेल सिचुएटेड इन टाउन ऑफ पतन इन गुजरात स्टेट। सो ये क्वेश्चन कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने लगा, वो ये कौन सी रिवर पर है? तो ये सरस्वती रिवर पर है, बिल्ट बाय उद्यमती। सो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जो रानी थी वो उद्यमती थी, जिनके नाम पर इन रानी की वाव कहा जाता है। वो डॉटर थी केंगरा ऑफ सौराष्ट्र और क्वीन थी 11th सेंचुरी में सोलंकी डायनेस्टी में, और पत्नी थी भीम की। सो भीमा की पत्नी थी उद्यमती, जिनके नाम पर हमने क्वीन यानी रानी की वाव देखी, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में डिक्लेयर हो गई। तो ये हमारा 100 रुपी नोट। नेक्स्ट 50 रुपी नोट। 50 रुपी नोट में जो कलर है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू। विड्थ यहां पर भी सेम है, लेंथ कम हो गई है। मोटिफ जो है वो है हेम्पी विथ चैरियट, और देखिए यहां पर हेम्पी लिखा हुआ भी है, और स्वच्छ भारत का लोगो है। 18th अगस्त 2017 को ये प्रिंट हुआ। लैंग्वेज जैसे कि बाकी सब नोट्स में, इसमें भी 15+2 टोटल 17 लैंग्वेज। ब्लीड लाइन इसमें नहीं है, ये पहला ऐसा नोट है 2000 के बाद जिसमें ब्लीड लाइंस नहीं है। देखिए दोनों साइड यहां पर ब्लीड लाइन नहीं है। तो 2000, 500, 200 और 100 इन सब में ब्लीड लाइंस हैं, 550 में उसके बाद नहीं है। सो अब हम्पी के बारे में कुछ देख लेते हैं। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 14th सेंचुरी। स्टोन चैरियट इज एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन विजय विथला टेम्पल इन हम्पी सेंट्रल कर्नाटक। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और स्टोन चैरियट इज श्राइन डेडिकेटेड टू गरुड़ा। गरुड़ है ऑफिशियल व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, उनके नाम पर मतलब ये डेडिकेटेड है गरुड़ा के लिए। और स्टोन चैरियट इन हम्पी इज वन ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलर स्टोन चैरियट इन इंडिया, अदर 2 आर इन कोणार्क। सो बेसिकली टोटल 3 इस तरह के स्टोन चैरियट हैं। एक जो हम्पी में है वो उसका फोटो जो है हम्पी वाले चैरियट का फोटो ₹50 पर है, और बाकी जो 2 हैं वो एक कोणार्क में उड़ीसा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इज 20 रुपी नोट। 20 रुपी नोट का जो कलर डिफाइन किया गया है वो है ग्रीनिश येलो, और विड्थ इसकी पहली बार कम हुई है, देखिए 63 mm, और यहाँ पर 129 लेंथ भी कम हुई है। तो हम आगे समराइज फॉर्मेट में देख लेंगे साइज को कैसे याद करना है। और लेकिन इसमें जो मोटिव है वो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स अपने आप में कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही डिटेल में, और कल्चरल और हिस्ट्री रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें एलोरा केव्स, अजंता एलोरा केव्स के बारे में रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये फिर से न्यूज में आ गई क्योंकि रिसेंटली लॉन्च 20 रुपी नोट पर एलोरा केव्स मेंशन है, और इसमें भी 50 रुपए के नोट की तरह ब्लीड लाइंस नहीं है, स्वच्छ भारत का लोगो इसमें भी है। सो एलोरा केव इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 1983 में डिक्लेयर किया गया था। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कहां पर है, वो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री टेम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड, फीचरिंग हिंदू बुद्धिस्ट जैन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टवर्क डेटिंग फ्रॉम 600 टू 1000 CE पीरियड। सो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और कल्चरल रिलेटेड हमारी हेरिटेज साइट है। द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ द केव इज कैलासा। जो केव नंबर 16 है वो कैलासा केव है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर केव है एलोरा में। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट केव इन एलोरा इज कैलासा, जो कि केव नंबर 16 है। नेक्स्ट ₹10। तो ₹10 का जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है। विड्थ इसकी ₹20 के जैसी ही है, लेकिन लेंथ कम है। सन टेम्पल कोणार्क इसका मोटिव है, जो यहां पर मेंशन है। देखिए सन टेम्पल कोणार्क, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस पर एज ए मोटिव है। और स्वच्छ भारत का लोगो विथ स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर, और ये 2018 में प्रिंट हुआ जनवरी में। और जो सूर्य मंदिर कोणार्क का है वो अपने आप में एलोरा और केव्स की तरह और बाकी सारे हेरिटेज साइट की तरह कल्चरल और हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था, बट क्योंकि 2018 में रिसेंटली ही ये 10 के नोट पर दोबारा से आया, तो इसके बारे में क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाने लगे। तो मैंने थोड़ा डीप में यहाँ पर इसे सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है, ताकि इसकी हिस्ट्री और कल्चरल एस्पेक्ट भी हमें पता चल जाए। माइथोलॉजी रिलेटेड भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसकी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। कोणार्क सन टेम्पल इज अ 13th सेंचुरी CE सन टेम्पल एट कोणार्क, पूरी उड़ीसा। ये आपको याद रखना है कि ये पूरी उड़ीसा में है। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE, डेडिकेटेड टू हिंदू सन गॉड सूर्या, जो कि हम देख ही रहे हैं सन टेम्पल सूर्य मंदिर कहलाता है, तो सूर्य देव के लिए है ये। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 1984 में। द टेम्पल इज मेंशन, अब यहां पर
देखिए इन लास्ट दो पॉइंट्स में मैंने माइथोलॉजिकल एंगल भी यहाँ पर कवर किया है कि माइथोलॉजी से रिलेटेड कल्चरल एस्पेक्ट में क्वेश्चन आए तो वो भी आपको यहीं पर मिल जाए। दिस टेम्पल इज मेंशन इन द सांबा पुराण एन एंशियंट टेक्स्ट डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्या एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा सन सांबा इन इट्स इनिशियल चैप्टर। सो बेसिकली इस टेम्पल का जिक्र आता है सांबा पुराण में जो कि एक एंशियंट टेक्स्ट है सूर्य देव के लिए, और इसमें बताया गया है सांबा के बारे में जो कि लॉर्ड कृष्णा के सन थे। अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड सांबा बिल्ट अ सन टेम्पल इन कोणार्क इन 19th सेंचुरी बीसीई आफ्टर हिज 12 ईयर लॉन्ग सन वर्शिप एट मैत्रवना जो कि एंशियंट नाम है कोणार्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएगा, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ कोणार्क। तो मैत्रवना ये बेसिकली बनाया था सांबा ने जो कि लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे जिन्होंने 12 ईयर अपनी तपस्या की और उसके बाद इन्होंने ये सन टेम्पल कोणार्क में बनाया। नेक्स्ट अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और बहुत ही अच्छा ट्रिक क्वेश्चन बनता है। अब तक हमने जो कवर किए नोट वो देखिए ध्यान से देखना है, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 ये सारे नोट हमने जो कवर किए वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है, बट एक ऐसा नोट भी है जो एक रुपए का नोट है और ये आरबीआई इशू नहीं करता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक किया जाता है विच अमंग द फॉलोइंग नोट इज नॉट इशूड बाय आरबीआई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है और ये हमें टिक करके आना है, 1 रुपी नोट जो है वो आरबीआई इशू नहीं करता है। और इसकी डिटेल हम देख लेते हैं नीचे, तो बैकग्राउंड देखते हैं पहले इसकी, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं किसी ना किसी फॉर्म में आते हैं क्योंकि हम करेंसी कवर कर रहे हैं तो यही पर ये हमें कंफ्यूजन दूर कर देगा। बैकग्राउंड देखते हैं, प्रिंटिंग ऑफ दीज नोट्स वर फर्स्ट स्टॉप्ड इन 1926, एक रुपए के नोट 1926 में पहली बार बंद कर दिए गए थे, उसके बाद 1940 में फिर से शुरू किए गए और 1994 तक एक रुपए का नोट प्रचलन में था, लेकिन ये आरबीआई इशू नहीं करता था। तो ये कौन इशू करता था, ये भारत सरकार इशू करती थी और इट वॉज स्टॉप्ड अगेन ड्यू टू कॉस्ट कटिंग मेजर्स, प्रिंटिंग रिज्यूम फॉर सेकेंड टाइम इन 2015। सो 2015 में इसकी प्रिंटिंग 1994 के बाद सीधे 2015 में फिर से शुरू की गई एक रुपए नोट की प्रिंटिंग। द न्यूली प्रिंटेड नोट्स वर फर्स्ट रिलीज ऑन 5th मार्च 2015 एट श्रीनाथ जी टेम्पल राजस्थान बाय राजीव महर्षि, फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस टाइम पर। वंस अगेन आरबीआई डिसाइडेड टू इश्यू दीज नोट्स एज पर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑन 7th फरवरी 2020। तो फिर दोबारा से 2020 फरवरी में ये दोबारा से न्यूज में आ गए क्योंकि दोबारा डिसाइड किया गया कि 1 रुपी नोट प्रिंट होंगे। सो ये 1 रुपी नोट के रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लाइन एक क्वेश्चन है इसमें, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार नॉट आरबीआई। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आरबीआई नहीं इशू करता है, भारत सरकार इशू करती है और हैव सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि वित्त सचिव, नॉट आरबीआई गवर्नर। सो हमने देखा है जो भी नोट आप देखते हो जनरली सबको पता होता है और ध्यान रखते हैं ये लोग, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 इन सभी नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर हैं, लेकिन सिर्फ एक रुपए का नोट ऐसा है जिसपे आरबीआई गवर्नर साइन नहीं करता है, उस पर साइन कौन करता है, उस पर साइन करेगा उस टाइम का फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि वित्त सचिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। इसका जो साइज है वो सबसे छोटा साइज होगा, 97 mm by 63 mm, कलर पिंक ग्रीन और पिक्चर सागर सम्राट ऑयल रिग। सो बेसिकली इस टाइप की पिक्चर, सागर सम्राट ऑयल हमारी रिफाइनरी जो मेंशन्ड है उसकी पिक्चर इस पर मेंशन्ड है। सो ये 1 रुपी नोट भी मैंने यहीं पर कवर कर दिया है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेजेस ऑन द न्यू करेंसी नोट्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक पर्टिकुलर स्लाइड मैंने लैंग्वेजेस रिलेटेड बनाई है बिकॉज इसमें भी काफी ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये सारा एक हमने देखा था जो पहले भी हम नोट्स में देख सकते थे, ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो एक जगह मेंशन होती हैं और ईच ऑफ द न्यू करेंसी नोट्स है डिनोमिनेशन रिटन विद 17 टोटल लैंग्वेजेस। कभी भी क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज नहीं करना है आपको, 17 टिक कर आना है, 15 नहीं टिक कर आना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स में 15 तो ये लैंग्वेजेस हैं, 1, 2, 3, 4 अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 15 लैंग्वेजेस हैं और एक इसमें हिंदी जो है फ्रंट पर मेंशनड है और इंग्लिश बैक पर मेंशनड है, तो टोटल लैंग्वेजेस जो आती हैं 17। अदर 15 रीजनल लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन लैंग्वेज पैनल ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द करेंसी नोट जो कि हम यहाँ साइड में देख रहे हैं। नेक्स्ट द लैंग्वेजेस पैनल हैज डिनोमिनेशन प्रिंटेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए, अगर आपको एक बहुत डीप में पढ़ना है या ध्यान रखना है तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो लैंग्वेजेस मेंशन है इसी सीक्वेंस में 15 रीजनल लैंग्वेज मेंशन है, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इस तरह से ये मेंशन है 15 रीजनल लैंग्वेजेस प्लस हिंदी और इंग्लिश। ये लैंग्वेजेस कहां से आई हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 लैंग्वेजेस ही क्यों मेंशन है एक्चुअली,
राइट, और कोई सी लैंग्वेजेस क्यों मेंशन नहीं है? सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में के 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज मेंशन है, 15 नहीं है। ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। देखिए यहां पर नोट पर जो मेंशन है वो 15 लैंग्वेजेस मेंशन है रीजनल, और एक हिंदी जो कि 22 में मेंशन्ड है। तो बेसिकली अगर हम टोटल लैंग्वेजेस देखें जो 8 शेड्यूल से ली गई हैं, तो वो 16 हो गई, 15 रीजनल, एक हिंदी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज मेंशन्ड है 8th कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो टोटल लैंग्वेजेस हैं 22, 15 नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। रिमेनिंग लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल नॉट मेंशन्ड ऑन द करेंसी नोट्स आर 6। सो कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में तो मेंशन है बट करेंसी नोट में नहीं लिखी गई है, और उनका नंबर है 6। ये और एक डीप एनालिटिकल क्वेश्चन है। मणिपुरी, सिंधी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये लैंग्वेजेस यहां पर मेंशन नहीं है। सो इसीलिए ये लैंग्वेज रिलेटेड आपका करेंसी से रिलेटेड टॉपिक कवर होता है यहां पर। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं समरी, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने एक समराइज फॉर्मेट में इन सारी डिटेल्स को जो हमने पहले स्लाइड में देखी है एक समराइज फॉर्मेट में यहां पर मेंशन कर दिया। तो देखकर एक दो बार याद कर लें तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो देखिए 2000 से लेकर हमने नीचे 10 रुपए तक के सारे नोट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। इनका कलर यहां पर मेंशन है जो हम पहले देख चुके हैं। अब हम साइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2000 से लेकर 50 रुपए के नोट तक विड्थ सबकी सेम है, यानी कि 66 के हिसाब से, 66 मिलीमीटर के हिसाब से ही सबकी विड्थ है 2000 से लेकर 50 रुपए तक। सिर्फ लास्ट के जो दो हैं उनकी 3 मिलीमीटर विड्थ कम है, यानी कि सारे ऊपर वाले जो हैं वो 66 के, और लास्ट के जो दो हैं सिर्फ वो 63 के। अब 2000 नोट का जो 66 है वो आप सीधा सा इसे यहां पर याद देख सकते हैं, एक सिमिलरिटी आ रही है 66 × 166। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट विड्थ तो सेम है, अब 500 से यहाँ पर 50 ले लीजिए, 66 नहीं है 50 है, तो ये भी आराम से ध्यान में रह जाएगा। सो 66 × 166 और 500 का 50, तो ये 150। इसके बाद अगर हम देखें तो 50 और 46 में यहां पर 4 का डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट भी फिर 4 का डिफरेंस है, राइट। सो ये एक पैटर्न की तरह आप याद कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि इनिशियल के दो तो आपको याद हो गए, उसके बाद आपने 4-4 घटाए तो ये दो नंबर मिल गए। अगर आप वैसे भी इसे जनरली भी याद कर सकते हैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया लेके रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको किस तरीके से वो विड्थ मिलेगी। और अगर आप पैटर्न ही देखना चाहते हैं तो फिर यहां पर देखिए 55 और 129 में फिर यहां पर 6 का डिफरेंस है, और 129 में, 123 में फिर यहां पर 6 का डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से भी कोई ना कोई पैटर्न इसमें फाइंड करके इसे आराम से याद कर सकते हैं। ब्लीड लाइंस की बात करें तो ब्लीड लाइंस हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, आराम से याद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा ब्लीड लाइन किस में होंगी, जो सबसे बड़ा करेंसी नोट होगा, तो 7 ब्लीड लाइंस है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। फिर 500 में 5, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा कि 500 में 5 है। और 200 में मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि दो ब्लीड लाइन है, दो सर्कल है, तो 1-2 और फिर एक तरीके से 200 लिखा हुआ है, इधर से भी नीचे की तरफ से भी देखें तो 200 लिखा मिलेगा ऊपर की तरफ से भी। और फिर इसमें और इसमें एक डिफरेंस क्या है 200 और 100 में, कि 100 में दो सर्कल भी हैं और 4 लाइन है, इसमें दो सर्कल हट गए हैं, 4 लाइन वहीं की वहीं है। सो ये 100 का नोट बन गया, और लास्ट के तीनों में कोई ब्लीड लाइन नहीं है। सिमिलरली अब आप इनके सामने फीचर लिख दीजिए, मंगलयान, रेड फोर्ट, सांची स्तूपा, और इसी तरीके से आप इन्हें एक पैटर्न में याद कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक समराइज फॉर्मेट में टैबलेट बनाइए और उसे 2-3 बार देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। सिमिलरली आप डायरेक्टली पिक्चर देखेंगे और स्लाइड में तो भी आपको 2-3 बार देखने पर ये आराम से याद हो जाएगा। यहां पर मैंने और मेंशन किया है मेजर कॉमन फीचर्स ऑन ऑल। सो बेसिकली इन सारे करेंसी नोट्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। वो क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इन सेंटर, इसलिए इन्हें महात्मा गांधी सीरीज नोट्स कहा गया है। अशोक पिलर राइट साइड में है, अशोक पिलर को भूलना नहीं है, वो भी मैं सारे ही नोट्स में है। ये ना हो कि आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, तो आपको याद है कि गांधी जी का पोस्टर भी है और हमने देखा कि स्वच्छ भारत का लोगो हर स्लाइड में देखा, तो आप अशोक एम्बलम को भूल जाए, नहीं, राइट साइड में अशोक एम्बलम भी है और स्वच्छ भारत का लोगो विद स्लोगन एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भी है। सो आई होप सारी स्लाइड्स डिटेल में देखने के बाद और ये समरी आपको देखने के बाद आपका ये टॉपिक और इससे रिलेटेड कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आप कवर कर पाएंगे। थैंक यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड कीप वाचिंग कोचिंग वाला। आई होप ये टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे और आप इसे देखकर अपने सारे कंफ्यूजन दूर कर पाए। प्लस हमने इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड, प्रेसिडेंट रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज में सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और आई बटन में भी उनकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।